हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर ए फोर्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिए थे कि कितने फोर्सेज जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तीन टाइप के फोर्सेज अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज उस पर बेस्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज जो है वो अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 को। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है उसके अंदर अपने को लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले तो गिवन है कि उसका जो फोर्स है वो फोर्स है किसके वर्ग घन के व्युत्क्रमानुपाती है, उसकी दूरी के घन व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का सेंस है, अगर मैं इसकी गति के समीकरण के रूप में इसको लिखना चाहूँ तो गति की समीकरण कुछ इस रूप में लिखी जाएगी कि d2x/dt² = -μ/x³। दूसरी ये बात बोल रहा है कि ये स्थिर बिंदु से कितनी डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है। ये टोटल अगर मैं कहना चाहूँ कि यहाँ पर ये जो मेरा आयाम है वो कितना है, ए है, ठीक है। ये यहाँ पर पहुँचने के बाद वापस केंद्र की तरफ दूरी जो है ये चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो केंद्र की तरफ दूरी चल रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, अपनी घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को अपन माइनस के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अपन लेके चलेंगे इनके आगे के क्वेश्चंस को। अब देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको x = b के लिए कुछ जो है तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। केंद्र से b दूरी पर अपने को वेग फाइंड आउट करना है, केंद्र से b दूरी के लिए अपने को टाइम फाइंड आउट करना है, और तीसरा इसमें फाइंड आउट करना है कि केंद्र पर जो इसका टाइम है यानी केंद्र पर पहुंचने का जो समय है वो अपने को यहाँ पर निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर अपन इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए पहले इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और फिर सॉल्व करने के बाद इसको यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई हो सकता है। तो देखिए, ये है, इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं v dv/dx, ठीक है, लिख लिया अपन ने, और -μ/x³। अब क्या करवा लेते हैं, इसका समाकलन करवा लेते हैं। तो समाकलन कीजिए, समाकलन से समाकलन के अंदर ये वाली वैल्यू क्या होगी, इधर आ जाएगी समाकलन। तो समाकलन करवाएंगे तो अपने पास आएगा v²/2 - μ/ −2/x³ प्लस में सी, ठीक है। अब अपन इस सी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 को अपन उधर लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा v²/μ/x² + ये जो 2c होगा इसको अपन c- से रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब अपन कंडीशन अप्लाई करके c की वैल्यू तो यानी c- की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अपन जानते हैं कि x = a पर वेलोसिटी कैसी हो जाती है, मेरी 0 हो जाती है। इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरा c- है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी -μ/a² और इसको वापस उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो वहाँ से अपन v² अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, म्यू को अगर मैं कॉमन लिख लूँ तो 1/x² - 1/a². क्लियर हो गया यहाँ तक। ये क्या आ गई, अपने यहाँ पर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है आ गई। अब वेलोसिटी की वैल्यू अपने को किस पॉइंट के लिए निकालनी है, ये जो इसको मैं पी पॉइंट नाम दे देती हूँ, इस पी पॉइंट पर यानी केंद्र से बी डिस्टेंस के लिए अपने को वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं यहाँ पे एक्स को क्या लेके चलूँगी, बी। ये जो है अभी जो अपन एक्स ले रहे हैं वो केंद्र से कोई भी दूरी ले रहे हैं, केंद्र से किसी भी बिंदु एक्स दूरी पर अपन ने कोई बिंदु ले रखा है तब ये जो अपने पास में यहाँ पर फाइंड आउट होता है, ठीक है। अब देखिए, अपन यहाँ पर इसको बी दूरी के लिए लिखेंगे, और बी दूरी के लिए मैं वेग को भी यहाँ पे मान लेती हूँ, माना x = b पर v जो है वो कितना है, कैपिटल V मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो अपनी किस तरह से बन जाएगी, ये बन जाएगा v²= μ/b²-1/a². इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो सॉल्व करेंगे तो म्यू वैल्यू बन जाएगी a²-b² और नीचे a²b² हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन, और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। फिर वेलोसिटी निकालने के बाद अपन टाइम को निकालेंगे, तो v अपने पास क्या आ जाएगा,
कैपिटल वी है ये, वी की वैल्यू आ जाएगी रूट में म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में आ जाएगा ए बी। और यही अपने को क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। तो पहला जो अपने को यहाँ पे निकालना था वो अपने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब सेकंड जो है वो अपने यहाँ पे देखेंगे किसको, टाइम को निकालेंगे। तो टाइम के लिए जो इस वेलोसिटी का पहला वाला इक्वेशन था एक्स की फॉर्म में था, उसको अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइम निकालने के लिए। अपन जानते हैं कि पहली इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर इजकल्स टू रूट म्यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, यही इक्वेशन थी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वी बराबर वी स्क्वायर ही है, थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अभी यहाँ पे रूट नहीं है, रूट अब इधर से स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे और ये बनेगा रूट म्यू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए एक्स। अब आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपने पास है वेलोसिटी के लिए दो पॉसिबिलिटी होती है, एक वेलोसिटी होती है प्लस में, एक वेलोसिटी होती है माइनस में। लेकिन आपसे आप जानते हो इस चीज़ को कि जब आपकी वेलोसिटी यहाँ पर जो अपन चिन्ह लेते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, अपन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ से आप आयाम से यानी अधिकतम दूरी से क्या हो रहे हैं, ज़ीरो की तरफ वापस आ रहे हैं। तो अधिकतम दूरी से आप जब ज़ीरो की तरफ वापस आ रहे हैं इसका मतलब आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है, घट रही है। और डिस्टेंस आपकी घटेगी इस वजह से आप यहाँ पे साइन कौन सा यूज़ लेंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब इस वी को अपन किससे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एक्स को अलग कर लेते हैं, डी टी के कोफिशियंट्स को अलग कर लेते हैं, तो इक्वेशन अपने पास यहाँ पर आ जाएगी डी टी बराबर जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए अपॉन रूट म्यू, ये माइनस भी साथ में चल रहा है इधर, और एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस को यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि ये जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे तब काम में, सॉरी इंटीग्रेशन करवाएंगे तब अपने पास काम में आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ सॉल्व होगी। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी लिमिट्स है वो कैसे डिसाइड होगी, लिमिट जो है ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तब इसका टाइम क्या है, ज़ीरो है, और ये यहाँ तक पहुँचता है, सॉरी यहाँ तक पहुँचता है तब मैं इसका टाइम मान लेती हूँ कैपिटल का टी है, और उसी के बराबर में अपने को यहाँ पे प्रूफ है करना है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब देखो ये यहाँ से चल रहा है तो x इक्वल्स टू ए से चल रहा है और पहुँच कहाँ रहा है, x इक्वल्स टू बी पे पहुँच रहा है। तो x की जो लिमिट है वो ए से क्या ली जाएगी, x से बी तक, ठीक है। x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी, ये अपन यहाँ पे क्या करवा देंगे, लिमिट अप्लाई करवा देंगे। तो लिमिट अप्लाई करवाने के बाद देखिए इक्वेशन जो है अपने पास आ जाएगी, अभी भी जस्ट ऐसे लिखा गया है, अब करवा देंगे इनका समाकलन इन लिमिट्स के बीच। a अपॉन में रूट म्यू लिखा ही गया है, इसके अलावा a से b माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको अपन एक्स स्क्वायर को यानी इस पूरी वैल्यू को क्या मान सकते हैं, कोई टी कोफिशियंट मान के इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इजीली जब अपन सॉल्व यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके इंटीग्रेशन के बाद अपने पास क्या वैल्यू फाइंड आउट होती है, ये हो गया टी बराबर, ठीक है, ए अपॉन रूट म्यू यहाँ पर है ही, और अंदर जो है वो वैल्यू, अंदर वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट जो है वो होगी ए से बी तक, ठीक है, लिमिट ए से बी तक इसकी चलेगी, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें होगी इसको अपन टी मान के, तो रूट टी का क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें जो होगी उससे रिड्यूस होके अपने पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अब इसका लिमिट ए से बी तक अप्लाई करवा दो आप, जब आप बी अप्लाई करवाओगे तब तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें क्या रखोगे, ए रखोगे, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। तो अपने पास टाइम का जो वैल्यू है वो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से टाइम की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट हो गई ए अपॉन में रूट म्यू
रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही अपने को यहाँ पर निकालना था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब अपने को यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है उसमें अपने को प्रूफ करना है सेंटर के लिए टाइम। तो आप एक बात सोचिए, जब ये सेंटर पर पहुँचेगा तो सेंटर के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यानी सेंटर के लिए x इक्वल्स टू क्या हो जाता है मेरा, ज़ीरो यहाँ पर हो जाता है। x इक्वल्स टू ज़ीरो होने का सेंस आप या तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या अपन ने यहाँ पे ये वाली जो दूरी मानी थी ये सेंटर से ही तो मानी थी, तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि अपन क्या पुट कर दें, b इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन में पुट कर दें। कौन सी इक्वेशन है, जो अभी अपन ने टाइम, क्योंकि सेंटर पर पहुंचने के लिए ये क्या पूछ रहा है, टाइम के लिए बात कर रहा है। तो सेंटर के लिए जब टाइम की बात करेगा तो अपन क्या कर देंगे, इसके टाइम को यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे टाइम के निकालने के लिए आप बी को क्या पुट कर दो, ज़ीरो पुट कर दो। तो देखिए इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, टी बराबर ए अपॉन रूट म्यू, अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये रूट से जैसे ही बाहर आएगा अपने पास वैल्यू आ जाएगी ए, और ए का ए से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में रूट म्यू, और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने जितने भी फोर्सेस के लिए रूल्स पढ़े हैं, फोर्सेस के रूल्स के अंदर अपन ने वर्ग व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ था, घन के व्युत्क्रमानुपाती दिया था। तो अपन ने एक्स क्यूब के फॉर्म में इस इक्वेशन को लेकर अपन ने यहाँ पर सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें अपन ने तीन चीज़ को प्रूव किया, पहले वेलोसिटी के लिए, फिर अपन ने टाइम के लिए, और फिर सेंटर के लिए टाइम को लिए अपन ने यहाँ पर देखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।